Hello and welcome friends, I am Suraj Kumar Tiwari from Computer and Excel Solution Channel. So आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम MS Access में combo box बना सकते हैं और dependable list को search कर सकते हैं उससे. तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले MS Access को हमें open करना होगा. हमारे पास MS Access का 2007 version है, आपके पास जो भी हो उसको use कर सकते हैं. सबसे पहले हमें blank database पर click करना होगा और यहाँ से create पर click कर देना होगा. और क्रिएट पर क्लिक करते ही एक ऐसा सिनेरियो आपको नज़र आएगा. इसके बाद आपको व्यू टैब पर क्लिक करना है. व्यू टैब पर क्लिक करने के बाद डिज़ाइन व्यू पे जाइए. यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ. चूँकि मैं ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मैं ड्रॉप के नाम से इसको क्रिएट कर लेता हूँ. आप कोई भी नाम यहाँ दे सकते हैं. इंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी की है. मैं यहाँ पर आई डी लिखा हुआ है. मैं यहाँ पर स्टूडेंट आई डी कर देता हूँ. स्टूडेंट आई डी या फिर हम रजिस्ट्रेशन आई डी भी कर सकते हैं यहाँ. ठीक है, जो भी डालेंगे ये एक यूनिक की होगी. मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया है कि ये प्राइमरी की क्या होती है. ठीक है, तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक होगी, ये एक दूसरे से मैच नहीं करेगी. यहाँ पे डेटा टाइप की बात आती है तो यहाँ डेटा टाइप ऑटो नंबर दिया हुआ है. ड्रॉप डाउन से आप अन्य कोई भी डेटा टाइप चूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पर नंबर चूज कर देता हूँ. इसके बाद हमें यहाँ स्टूडेंट का नाम देना होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट का नाम दे देते हैं, स्टूडेंट नेम. ठीक है, स्टूडेंट का नाम देने के बाद स्टूडेंट का नेम एक टेक्स्ट डेटा टाइप होता है तो यहाँ टेक्स्ट चूज कर लीजिए. अगर ड्रॉप डाउन में नहीं आती है तो यहाँ से टेक्स्ट चूज कर लीजिए आप. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं स्टूडेंट का स्टेट देना चाहता हूँ. स्टेट तो यहाँ लिखता हूँ स्टेट, और स्टेट जो भी होगा वो भी एक टेक्स्ट डेटा टाइप होगा तो यहाँ टेक्स्ट, और फिर यहाँ पर सिटी तो यहाँ सिटी कर देता हूँ. तो ये भी जो है टेक्स्ट डेटा टाइप होगा. अब इतने ही पे हम सीख लेते हैं कि कैसे हम कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं. व्यू पे क्लिक करिए और यहाँ से यस कर दीजिए तो ये इस प्रकार से टाइटल आपको डिस्प्ले हो जाएगा. इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको सिंपली क्रिएट पे जाना है. ठीक है, और पहले हम यहाँ पे डेटा एंट्री कर लेते हैं. जैसे रजिस्ट्रेशन जिसका वन है, कोई भी स्टूडेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर वन है और उसका नाम है राम. ठीक है, अब वो जो स्टूडेंट है वो कहाँ का रहने वाला है वो इस वाले कॉलम में हमें देना होगा. जैसे सपोज कीजिए वो रहने वाला है लखनऊ का. ठीक है, या फिर चूंकि ये स्टेट है तो यहाँ मैं कर देता हूँ यूपी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और सिटी उसकी लखनऊ है तो यहाँ लिख दूंगा लखनऊ. लिख देते हैं और इसको लिखने के बाद हमें यहाँ पे सेकेंड एंट्री करनी होगी. तो यहाँ से हम सेकेंड एंट्री कर लेते हैं. यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड, और यहाँ पर जो सेकेंड नाम है यहाँ पे लिख देता हूँ उपेंद्र. तो ये स्टूडेंट का नाम है और यहाँ पे ये कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली, तो मान लीजिए ये बिहार के रहने वाले हैं तो यहाँ लिख देता हूँ बिहार, और बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पटना. ठीक है, तो यहाँ पटना लिख दिया. अब यहाँ पर थर्ड एंट्री करनी है हमें, तो थर्ड स्टूडेंट जो भी हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक गर्ल है जिनका नाम है सीता, तो ये रहने वाली हैं एमपी की, तो यहाँ एमपी लिख देता हूँ. और यहाँ पर ये एमपी में कहाँ की रहने वाली हैं, तो एमपी में रहने वाली हैं इटारसी की, यहाँ लिख देता हूँ इटारसी. ठीक है, और इसके बाद फोर्थ एंट्री करनी है हमें, तो फोर्थ एंट्री भी कर देते हैं. और यहाँ पर लिखेंगे हम सोहन, कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आप देना चाहते हैं. और ये रहने वाली हैं गुजरात की, और गुजरात के गांधीनगर से बिलोंग करती हैं. मैं यहाँ लिख देता हूँ गांधीनगर. ओके, तो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है. तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम फॉर्म बना लेते हैं. यहाँ फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह का हमें सिनेरियो दिखेगा. यहाँ से हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड. यहाँ से कोई और भी कलर आप ले सकते हैं. यहाँ से सपोज मैं ये कलर लगा देता हूँ. यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं. टेक्स्ट का कलर में ब्लैक कर देता हूं, तो ये देखिए यहां से टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक हो गया. इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, यहां क्लिक करके बोल्ड बना लीजिए इसको. इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहां पे ड्रॉप डाउन हमें क्रिएट करना है. कैसे ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमें व्यू चेंज करना होगा. यहां से डिज़ाइन व्यू पर आ जाइए. अब डिज़ाइन व्यू में कुछ इस तरह का सीनैरियो आपको दिखेगा. यहाँ से आपको पकड़ के माउस को ड्रैग करना है नीचे की तरफ, तो यहाँ रखिए कर्सर को, माउस को नीचे ड्रैग कीजिए तो ये बड़ा हो जाएगा. अब जो हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है वो स्टेट के बेस पे हमें सिटी को सर्च करना है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है कॉम्बो बॉक्स का, यहाँ पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर माउस को ड्रैग करवा दीजिए. तो जैसे ही ड्रैग करवाएंगे इस तरह का एक बॉक्स खुल करके आएगा. आपको यहाँ पर फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माई फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू आई सेलेक्टेड इन माई कॉम्बो बॉक्स, इसको आपको टिक करना है. ये रेडियो बटन बने हुए हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए.
हमें स्टेट और सिटी लेना है क्योंकि इन्हीं दोनों को हम देखना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये हाइड पे टिक है, तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी अपने आप से आ जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ही लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, अभी बैक चलते हैं वापस से। ये रजिस्ट्रेशन आई और स्टेट के बेस पे हम सर्च करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी और स्टेट ले लेंगे। तो सिटी को भी इधर कर देते हैं हम, और रजिस्ट्रेशन आईडी और स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाइड वाले बटन पे टिक है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, मैं यही रहने देने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, आप चाहे तो इसको रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है वापस फॉर्म व्यू पे, तो यहाँ से चलते हैं फॉर्म व्यू पे। तो ये इस तरह का ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पे शो होगा। आइए देखते हैं कि अगर हम ड्रॉप डाउन का यूज़ करते हैं तो नीचे क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये ड्रॉप डाउन है यूपी बिहार एमपी, तो हमने अलग अलग तीन या चार स्टूडेंट का डेटा बनाया है जिनको हमने यूपी बिहार या एमपी के कैटेगरी में रखा है। अगर मैं बिहार सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ अपने आप उपेंद्र आ जाता है, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल चेंज हो जाती है। इसके बाद मैं अगर यहाँ एमपी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ सीता आ जाता है। ये डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन हम इस प्रकार से बना सकते हैं, यूपी सेलेक्ट किया तो राम आ गया। तो इस प्रकार से हम ये डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन की वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।